बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि पिछले दो साल से चली आ रही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 18 से 22 जून के बीच इंग्लैंड के साउथैम्पटन मैदान पर खेला जाएगा। इसे मुकाबला कहना भी गलत होगा, ये है महामुकाबला। और इस महामुकाबले की तैयारी के लिए टीम इंडिया भी अब इंग्लैंड पहुंच चुकी है और क्वारंटाइन में अपना समय बिता रही है, और न्यूजीलैंड इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला खेल रही है। खैर, भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड पहुंचते ही टीम इंडिया को मिला है एक बहुत ही बड़ा अलर्ट। जी हां, टीम इंडिया को अगर फाइनल का मुकाबला जीतना है तो इस अलर्ट को ध्यान में रखना होगा, वरना टीम इंडिया के सपनों पर पानी फिर सकता है, वरना टीम इंडिया पर न्यूजीलैंड भारी पड़ सकता है। टीम इंडिया को आखिर क्यों मिला अलर्ट, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। टेस्ट क्रिकेट में बादशाह की जंग लड़ने के लिए टीम इंडिया इंग्लैंड पहुंच चुकी है, जहां उसका सामना अब न्यूजीलैंड से होगा। ये पहला मौका है जब वनडे और टी20 की तर्ज पर ही टेस्ट क्रिकेट को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। अब करीब दो साल से चले इस मैच में फाइनल का वक्त आ गया है। फाइनल फाइट 18 जून से साउथैम्पटन के मैदान पर लड़ी जाएंगी। मुकाबला होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच। ये बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड की टीम इस समय आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में टॉप टू टीमें भी है। भारतीय टीम पहली पायदान पर है तो न्यूजीलैंड की टीम दूसरे पायदान पर है। न्यूजीलैंड की टीम पहले से ही इंग्लैंड पहुंच चुकी है और भारतीय टीम इंग्लैंड पहुंचने के बाद एहतियातन आइसोलेशन में है। इसके बाद खिलाड़ियों को मैदान पर प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, लेकिन टीम इंडिया के लिए अलर्ट मिला है और ये अलर्ट देने का काम किसी और ने नहीं बल्कि टीम इंडिया के ही खिलाड़ी ने किया है। उन्होंने जो वजह बताई है वो वाकई में हर किसी को हैरान कर रही है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। ये दौरा टीम इंडिया के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है और इंग्लैंड में काउंटी खेलने वाले बल्लेबाज हनुमा विहारी ने भी इस ओर इशारा किया है। हनुमा विहारी ने इंग्लैंड में बल्लेबाजों को अपने शॉर्ट सिलेक्शंस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। हनुमा विहारी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हनुमा विहारी ने इंग्लैंड के मौसम्स और पिच पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, इंग्लैंड में बल्लेबाजी करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। आसमान में बादल छाए रहते हैं तो गेंद ज्यादा स्विंग होती है, वहीं अगर सूरज निकला तो फिर बल्लेबाजी आसान होती है। बादलों के बीच तो गेंद दिन पर स्विंग होगी। काउंटी क्रिकेट में सबसे बड़ी चुनौती है, इंग्लैंड में काफी ठंड है और गेंद पिच से भी काफी ज्यादा स्विंग हो रही है, और मौसम के हालात अगर ऐसे ही रहे फाइनल मुकाबले के लिए तो फिर टीम इंडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किलें तो बढ़ने वाली है। और कई दिग्गजों का मानना ये भी है कि न्यूजीलैंड का पलड़ा इसीलिए भी भारी है क्योंकि इंग्लैंड की पिच के हालातों से वो ज्यादा अनुभव रखते हैं और उन्हें खेलने का भी अनुभव ज्यादा है। स्विंग होती हुई गेंद को और ड्यूक गेंद को अच्छा खेलता है न्यूजीलैंड एज कम्पेयर टू भारत। भारतीय क्रिकेट टीम की मुश्किलें बढ़ सकती है, चुनौती भारत के सामने है, लेकिन कप्तान विराट कोहली की तरह बस एक ही बात है, अगर हम ये सोचकर मैच खेलेंगे तो हम हारेंगे, हमारे पास बराबर का मौका है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।